भारत में कई शानदार स्ट्रक्चर्स हैं और उनमें से एक है ब्रिजेस, यानी कि पुल, जो कि एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का काम करती है। आमतौर पे ब्रिजेस दो प्रकार के होते हैं, रेलवे ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। इसमें आप जानेंगे भारत के 15 सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिजेस। 15th प्लेस में आता है असम का कोयला भोमोरो सेतु। इसे ब्रह्मपुत्र नदी पे सन 1987 में बनाया गया था, जिसकी लंबाई है 3.01 किलोमीटर। यह असम के दो शहरों को जोड़ता है, तेजपुर से कलाईबोर। 14th प्लेस में है बिहार का नेहरू सेतु। सन 1900 में इस ब्रिज को सोन रिवर पे बनाया गया था। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 3.05 किलोमीटर। ये ब्रिज सोन नगर को डेहरी से जोड़ता है। 13th प्लेस पे है बिहार का जवाहर सेतु। सन 1965 में सोन नदी पे इस पुल का निर्माण हुआ था और इस पुल की कुल लंबाई है 3.06 किलोमीटर। जवाहर सेतु डेहरी को सोन नगर से जोड़ती है। 12वें स्थान पे जो ब्रिज है उसका नाम है छलारी घाट ब्रिज, उत्तर प्रदेश। इस पुल का निर्माण घाघरा नदी पे 2017 में हुआ था और इसकी कुल लंबाई है 3.25 किलोमीटर। ये पुल बहराइच को सीतापुर से जोड़ता है। 11वें स्थान पे है बिहार का मुंगेर गंगा ब्रिज, बिहार। इस पुल का निर्माण गंगा नदी पे सन 2020 में हुआ था और इसकी कुल लंबाई है 3.75 किलोमीटर। ये पुल मुंगेर को जमालपुर से जोड़ता है। 10वें नंबर में है गोदावरी ब्रिज, राजमुंड्री, आंध्र प्रदेश। इस पुल का निर्माण सन 2015 में गोदावरी नदी पे हुआ था। इसकी कुल लंबाई है 4.13 किलोमीटर। ये पुल कोवूर को राजमुंड्री से जोड़ता है। 9वें स्थान पे है बिहार का आरा छपरा ब्रिज, सारण, बिहार। सन 2017 में इस पुल का निर्माण गंगा नदी पे हुआ था। इसकी कुल लंबाई है 4.35 किलोमीटर और ये ब्रिज आरा को छपरा से जोड़ता है। 8वें स्थान पे है बिहार का दीघा सोनपुर ब्रिज, पटना, बिहार। सन 2016 में इस पुल का निर्माण गंगा नदी पे हुआ था। इसकी कुल लंबाई है 4.55 किलोमीटर और ये पुल दीघा पटना से सोनपुर सारण को जोड़ता है। 7वें स्थान पे है केरल का वेम्बनाद रेल ब्रिज, कोची, केरला। सन 2011 में इस पुल का निर्माण हुआ था। इसकी कुल लंबाई है 4.62 किलोमीटर। ये पुल एड़ापल्ली को वल्लारपादम से जोड़ता है। 6ठे नंबर में है बिहार का विक्रमशिला सेतु, भागलपुर, बिहार। सन 2001 में इस पुल का निर्माण गंगा नदी पे हुआ था। इसकी कुल लंबाई है 4.70 किलोमीटर। ये पुल भागलपुर को नौगछिया से जोड़ता है। 5वें स्थान पे है असम का बोगीबिल ब्रिज, असम। सन 2018 में इस पुल का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पे हुआ था। इसकी कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर। ये पुल धेमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। 4ठे नंबर में है मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक। इस पुल का निर्माण सन 2009 में महीम की खाड़ी पे हुआ था। इसकी कुल लंबाई है 5.57 किलोमीटर। ये बांद्रा को वर्ली से जोड़ता है, जो साउथ मुंबई में स्थित है। 3रे नंबर में है बिहार का महात्मा गांधी सेतु, पटना, बिहार। इस पुल का निर्माण सन 1982 में गंगा नदी पे हुआ था। इसकी कुल लंबाई है 5.75 किलोमीटर। ये साउथ पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। 2रे नंबर में है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग रिवर ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश। इस पुल का निर्माण सन 2018 में दिबांग नदी पे हुआ था। इसकी कुल लंबाई है 6.2 किलोमीटर। ये डांबू को रोइंग से जोड़ता है, जो कि पूर्वी अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज है असम में स्थित ढोला सादिया ब्रिज, तिनसुकिया, असम। सन 2017 में इस पुल का निर्माण लोहित नदी पे हुआ था। इसकी कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये पुल असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित सादिया शहर को ढोला गांव से जोड़ता है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ।
आपका मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना।